सुप्रभात और आप सभी को राम राम। तो सुबह हो चुकी है और मैं अभी थोड़ा सा बाहर आई थी घूमने के लिए, थोड़ा मतलब कि बहुत काफ़ी दिन हो गए घूमना नहीं हो पाता है काम के चक्कर में। तो अभी फ़िलहाल तो मैं घूम रही हूँ, सुबह का टाइम है, अभी 6 बज रहा है। मंदिरों में भी आरती वगैरह होनी शुरू हो गई है, आप सुन पा रहे होंगे भजन वगैरह। अच्छा लगता है सुबह का मौसम, जब सुबह सुबह इस तरह मंदिरों में आरती पूजा और ठंडी ठंडी मतलब हवा हल्की हल्की मध्यम मध्यम। मौसम अभी अच्छा है फिलहाल, ना तो ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, लेकिन सुबह तो हल्की हल्की ठंड सी लगती है। अभी बच्चे मेरे सब सो रहे हैं, अभी जाके बस गर्म पानी करूँगी और फिर चाय बनाऊँगी। तो अभी जा रही हूँ मैं अंदर। रख दिया गर्म पानी, पानी होता रहेगा फिर इसी में बना दूंगी मैं चाय। सुबह सुबह आवाज कैसी हो जाती है ना भारी भारी सी। इस खांसी जुकाम ने तो इतनी बुरी तरीके से बैंड बजा रखी है गले की कि पूछो ही मत, क्योंकि फिर स्कूल में भी मुझे चिल्लाना ही पड़ता है तो गले की तो पूरी तरीके से बैंड बज हुई है। तो फिलहाल मैंने कर लिया था यहाँ पर गर्म पानी, पहले मैं सिर्फ एक ही बार पीती थी लेकिन अब तो मुझे दिन में कम से कम 2-3 बार तो पीना ही पड़ता है। स्कूल में तो नहीं हो पाता लेकिन घर पर आके तो पी लेती हूँ। ये अदरक ख़त्म हो चुकी तो ये मंगा लेती है, कमरे में ही रखी रह गई थी। तो फिलहाल ये अदरक की ही चाय बनाऊँगी क्योंकि अदरक मेरे लिए बहुत ज़रूरी, बिना अदरक की चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो और कोई चीज़ हो ना हो लेकिन अदरक का मुझे अच्छे तरीके से याद रहता है कि हाँ अदरक मंगानी है। फिर बैठ के आराम से यहाँ पर पानी गर्म हो गया था तो तसल्ली से ये पानी पी लिया था। तो यानी कि यही टाइम होता है जब मैं आराम से ये पानी वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं काम में लगती हूँ। तो इतनी देर में यहाँ पर मेरी बन गई थी फटाफट से चाय, फिर चाय ले जा करके जो जो अभी जग रहा होगा उसको तो दे ही दूंगी और जो सो रहे हैं उनको बाद में गर्म करके दे दूंगी। तो फिलहाल बना ली थी मैंने चाय, चाय के बाद देखूंगी फिर क्या काम करना है। खाने पीने का जो भी है, फ्रिज में जो भी सब्जी पड़ी होगी जो फटाफट से बन जाएगी वही मैं बना लूंगी। वैसे मैंने सोच के रखा है कि बनाऊंगी भरवा बैंगन, क्योंकि छोटे छोटे बैंगन आए पड़े हैं तो उसके लिए भरवा बैंगन की सब्जी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर भरवा बैंगन का मसाला पीस लिया था, उसमें डाले थे बेसिक से मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया और कुटा हुआ सौंफ और धनिया और ये अमचूर पाउडर, बैंगन में अमचूर पाउडर बहुत ज़रूरी है। फिर डाला था नमक और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था जिससे कि इसका अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाएगा। मैं भरवा बैगन में ये मसाला कच्चा ही मतलब भरूंगी जिससे कि क्या ये बाद में जब हम सब्जी बनाएंगे तो ये मसाला सब्जी के साथ में ही भुन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बैगन को 4 कट लगा करके और ये मसाला अच्छी तरीके से इसमें भर दिया था। तो सारे बैगन मेरे यहाँ पर भर करके तैयार है, अब फटाफट से बारी है इसको छौंकने की। तो फटाफट से ये सब्जी मैं छौंक दूंगी। रसोई का कार्यक्रम खत्म करने के बाद यानी कि खाना बनाने के बाद बारी आती है स्कूल के लिए तैयार होने की, तो वो भी मुझे झटपट से करना पड़ता है। पहले बेटी को तैयार किया तो यहाँ पर इसकी चोटी है, ये बना नहीं पाती है तो इसकी चोटी बनाई थी क्योंकि इसके बाल लंबे हो गए। अभी मेरा फिलहाल इसको कटाने का मूड नहीं क्योंकि इसके मामों की शादी आने वाली है, तो सोचा था जब भी इसकी अच्छी सी कटिंग करवाऊंगी तो इसकी कर दी थी यहाँ पर चोटी। और ये मानती नहीं, जब भी मैं कहती हूँ ये वाली क्लिप मत लगाया कर इसके दर्द होता है, लेकिन फिर भी यही वाली पिन लगाती है क्योंकि इसको अच्छी लगती है, इसकी मौसी ने जो भिजवाई थी। फिर उसके लिए फटाफट मैंने भी ये अपना ये लज्जा वस्त्र पहन लिया था, अब जाऊंगी मैं स्कूल के लिए। तो मैं हो गई थी यहाँ पर रेडी, अब जा रही हूँ मैं स्कूल। अरे हिमांशु क्यों टिन टिन कर रहा है? दोपहर के खुद तो जा रहा है, यहाँ टाइम को डेली का नाटक है यहाँ का। गुड मॉर्निंग, गाड़ी में ही प्रेयर हो रही है तुम्हारी? तो पलक बोल रही है। अच्छा पलक बोल रही है। और नहा के कौन कौन आया है? मैं। सारे बच्चे आए नहा के? अब तो गर्मी आ गई भाई, तो बंदर आ गया, पूरे पानी को फैला गया गरम को। अच्छा अब गर्म पानी से नहाते हो, बंदर फैला गया पानी? हाँ। फिर किससे नहाई? पहले ही नहा ली थी। है पहले ही नहा ली थी। और अंशु नहा के आया कि नहीं? नहा के आया, आया स्कूल है? अच्छा वो टेरेक्स में चला गया। अच्छा जल्दी चला जाता है, अच्छा एक्स्ट्रा क्लास चलती है इस वजह से। ठीक है सारे बच्चे आए? ओके क्यों? वो एक दिन छोड़कर एक दिन आता है। अच्छा मैं क्या नहीं है, बैग नहीं है उसका, बैग फट गया तो बैग की वजह से स्कूल नहीं आया। अरे पागल,
अच्छा स्कूल में पहुंचने के बाद हमें मिल गई कचौड़ियों की पार्टी। हुआ ये कि हमारी एक स्टाफ में मैडम थी, उनके बेटे का बर्थडे था तो उन्होंने दी थी यहाँ पर कचौड़ी की पार्टी। तो यही कचौड़ी खा लेती सुबह, ब्रेकफास्ट करके तो आते नहीं है, लेकिन चलो आज अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो गया, लेकिन थोड़ा हैवी सा हो जाता है, फिर मैंने खाना नहीं खाया था। अब मैं मिल रही हूँ आपसे छुट्टी के टाइम पर। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए अपने गाड़ी का कर रहे हैं इंतजार, यानी कि छुट्टी के टाइम पर मानो भगदड़ सी मच जाती है स्कूल में। ऐसा लगता है मानो कोई जेल से कैदी छूट करके भागा, यानी कि जब बच्चे सुबह आते हैं तो रोते हुए आते, इस टाइम तो हंसते हुए जाते। अब मैं आ गई थी यहाँ पर घर, और यहाँ पर बेटी देखो मेरी उदम मचा रही थी, तो मैं उससे पूछ रही थी क्या कर रही है। नहीं तो जब तक मैं सो रही, एक्चुअल झूठी कहीं की सो रही। अरे सच में मैं भी लाऊंगी पास्ता। पास्ता हाँ, पास्ता नहीं भी बनाऊंगी, बल रोजीना पास्ता या बना लो। देखो आगे गोरा या बना लो, गोरा बना लो, हटाई बना लो। क्यों थोड़ा थोड़ी आयु में तो काई को आई है बाजी बुला भाई। ये क्या, ये पान काट के वही काट लगे वही ये शाम होने वाली क्या है, शाम हो ही चुकी है और मैं कर रही हूँ खाने पीने की तैयारी, बना रही हूँ खाना और यहाँ बन रही है मेरी कढ़ी। आज कढ़ी चावल का मन हुआ, क्योंकि सुबह बनाई थी मैंने कासी फल की सब्जी और शाम को सूखी सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो सोचा चलो छाछ रखी हुई है तो क्यों ना कढ़ी चावल बना लिए जाए। तो कढ़ी चावल सबको अच्छे लगते सिवाय मेरे बेटे के, तो बेटे ने तो खा लिया है खाना और मैं, मेरे पतिदेव और मेरी बेटी वो खाएंगे कढ़ी चावल। स्कूल से आ गई थी, आकर के बहुत सारे काम निपटा लिए थे, कल का जो धोबी घाट फैला हुआ था कल टाइम नहीं मिला था कि उनको तय बना के रख दूँ, तो आज मैंने उनको सिमटा के रखा, यानी कि पूरे 2 घंटे लगे कपड़ों को व्यवस्थित करने में। फिर उसके बाद और भी जैसे कि बर्तन साफ करना, चाय पानी बनाना, तो स्कूल से आने के बाद भी मेरे लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसकी देर थोड़ी देर बाद फिर मैंने आराम भी किया था। अब हो गई शाम, तो शाम को क्या है खाने पीने की तैयारी पहले ही सोच के रखी थी कि चलो आज छाछ रखी है तो कढ़ी चावल ही बनाएंगे, तो फिलहाल यहाँ पर कढ़ी बन रही, इसको मैं हिला रही हूँ, नहीं हिलाऊंगी तो ये अपना रूप दिखा देगी यानी कि कढ़ी फट जाएगी। यहाँ पर इसके लिए मैंने पकौड़ियाँ भी निकाली है, तो ये पकौड़ियाँ हैं क्योंकि मेरे घर में बिना पकौड़ी की कढ़ी है जो कोई नहीं खाता है, तो पहले कढ़ी बना लेती हूँ फिर उसके बनाऊंगी मैं चावल। घर पे क्या है, ये किनकी चावल खाते हैं, ये वाला जो लंबा वाला चावल आता है वो मैं नहीं खाती हूँ, ये किनकी वाला चावल है। अच्छा है तो खैर बासमती की टुकड़ी और बनता भी स्वाद है और अच्छा भी लगता है और फूलता भी बहुत है, तो क्या है इसको एक ग्लास बनाओ तो ये उतना ही डबल हो जाता है और बहुत टेस्टी, खाने में भी इसका अच्छा टेस्ट आता है। खिचड़ी वगैरह बनाओ, खीर बनाओ, स्पेशली खीर इसकी बहुत अच्छी बनती है, तो मेरे घर में तो यही चावल आता है, ये इसको बासमती की टुकड़ी बोलते हैं, ये देखिए ऐसे आता है। तो फिलहाल मैंने ले लिया 1 ग्लास चावल और इसका डबल यहाँ पर पानी डाल दूंगी, तो इतने ही दुगने ही फूल कर हो जाते हैं और अच्छे बनते भी अच्छे ही हैं। तो फिलहाल मैं इनको धो लेती हूँ।
कढ़ी तो बन गई। तो ये आ गया हमारा भोजन, सिंपल सोबर एंड वेरी टेस्टी। और ये मेरी बेटी खा रही है, किसी को लग रही भूख, अब पेट में चूहे तो मेरे भी कूद रहे हैं, तो मैं भी खा लेती हूँ। गरम गरम कढ़ी चावल खाने का तो अपना ही मजा है। तो बस आप पहुंची इस ब्लॉग की एंडिंग पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और टेक केयर। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।